यूपी फतेहपुर के लाल पैरा कमांडो शुभम सिंह उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन में वीरगति को प्राप्त हो गए। बता दें कि वीर जवान शुभम सिंह हिमस्खलन में लापता हो गए थे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ सहित सेना की टीमों द्वारा लगातार तलाश जारी थी, जिसके बाद वीर जवान का शव शनिवार शाम को बरामद किया गया। उनके शहादत की जानकारी मिलते ही जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार यानी आज वीर जवान शुभम का उनके पैतृक गाँव मोहार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर की बिंदकी तहसील के मोहार गांव में जन्मे शुभम सिंह के पिता देवी प्रसाद सिंह एक किसान हैं और माता फूलन गृहिणी हैं। शुभम की चार बहनें और एक छोटा भाई सत्यम सिंह जो कि आर्मी में है, जिनकी पोस्टिंग नागालैंड में है। शुभम सिंह साल 2018 में सेना में भर्ती हुए और बाद में पैरा कमांडो की आगरा यूनिट में उनको तैनाती मिली। सेना ने 29 जवानों को ट्रेनिंग के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भेजा था, जिनमें शुभम सिंह भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग करके वापस लौटते समय उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन में बड़ी संख्या में जवान चपेट में आ गए। सेना और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार खोजबीन करती रही, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। शनिवार देर शाम कई जवानों के शव बरामद हुए, जिनमें शुभम सिंह भी शामिल थे। सेना में नौकरी लगने के बाद साल 2021 की दिसंबर में शुभम सिंह की शादी खागा की रहने वाली निधि सिंह से हुई थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वीर जवान ने अपनी पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात कर कहा था कि ट्रेनिंग पूरी हो गई है, जल्द ही गांव आऊंगा। लेकिन अचानक हुई घटना ने सब कुछ बदल दिया। अब केवल रह गई है तो चीखती चिल्लाती बेबस आंखें। पैरा कमांडो शुभम सिंह के सर्वोच्च बलिदान के लिए शिवालिक जनन उन्हें कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।